विज्ञप्ति में आपका स्वागत है। बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दम पर राजस्थान में सत्ता में बने रहने का मास्टर प्लान बनाया है। राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से 120 की कमान पीएम मोदी और अमित शाह के हाथ में होगी। मोदी और शाह की जोड़ी कुल 33 में से 22 जिलों में पहुंचेगी। मोदी और शाह 23 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच राज्य में 22 बड़ी सभाएं करेंगे। इनमें से 10 सभा मोदी और 12 सभाएं अमित शाह करेंगे। अमित शाह सभाओं के साथ साथ रोड शो भी करेंगे। वहीं प्रदेश की सीएम पूरे राजस्थान में सभा करेंगे, लेकिन 80 से 100 सीटों के लिए पार्टी ने खास प्लानिंग की है। मोदी की 9 सभाएं जिला स्तर की होंगी, वहीं शाह जिला स्तर के अलावा विधानसभा स्तर पर भी सभाएं करने वाले हैं। प्लानिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि जिस जिले में मोदी सभा करेंगे वहां शाह नहीं जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर किया जा सके। इसमें डूंगरपुर जिला एक अपवाद है, जहां शेर पार्टी के दोनों शीर्ष नेता सभा करेंगे। वहीं आज मोदी और शाह ने दिल्ली में बीजेपी की सीसी की बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि इस दौरान राजस्थान को लेकर कोई चर्चा नहीं। तो यह ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, 28 नवंबर को 200 और डूंगरपुर के अंदर सभा करते हुए मोदी नजर आएंगे। 4 दिसंबर को हनुमानगढ़, जोधपुर और सीकर का दौरा वो करने वाले हैं। इसके अलावा बात अगर अमित शाह के दौरे की जाए तो 29-30 नवंबर, 1-2-3 और 5 दिसंबर को वो सभाएं करेंगे। फलोदी, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, डी कुमेर, करौली और सवाई माधोपुर के अंदर वो सभा करने वाले हैं। खाजूवाला, नवलगढ़, सुजानगढ़ और रायसिंह नगर में भी उनकी सभाएं हैं। कुल मिलाकर 120 सीटों की कमान मोदी और शाह के हाथों में।